What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 23 मार्च 2020 सुबह के 8:43 हो रहे हैं. थोड़ा लेट हो सकता है वीडियो. काफ़ी गंभीर परिस्थिति इस समय भारत में और पूरे दुनिया भर में, उसका असर हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है. सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है, यह फ्राइडे का यानी 20 मार्च आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है. फ्राइडे का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8469. तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद इस टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ, तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 8571 ये अचीव हुआ. फिर सेकंड टारगेट 8673 ये भी अचीव हुआ. काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था फ्राइडे के दिन. तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 90 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 60,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू. ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं. यूएस मार्केट्स फ्राइडे को फिर से एक बार काफ़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली. यूरोपियन मार्केट्स हालांकि एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे फ्राइडे को, सभी ग्रीन निशान में बंद हुए थे. आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स नीचे अभी इस समय ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट में भी देखें तो 290 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है. जापानीज मार्केट फ्राइडे को बंद था, आज जब ओपन हुआ है तो 80 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर 740 पॉइंट्स डाउन है. फ्राइडे सैटरडे संडे क्या हुआ? काफ़ी दो अहम चीज़ें हुई. कोरोना वायरस, पहले तो एनालिसिस शुरू करने से पहले ये जो इंडिया में सिचुएशन है उसके ऊपर एक दो मिनट बात कर लेते हैं. जो संडे का इवेंट था उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशंस थी, ये अभी भी कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. संडे का इवेंट था कि घर में बैठे, घर के बाहर ना निकले, लेकिन जो कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, वो रोड पे दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने सोसाइटी के अंदर हमें, हमारे आस पड़ोस में वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था. लोग सोसाइटी के दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ घुल मिल रहे थे. कोई तो पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, और जो 15 डेज का ये जो कर्फ्यू जैसा माहौल बनने वाला है उसके लिए पहले से ही खरीदारी कर रहा था, और घर में जो स्टॉक बना के रख रहा था खाने पीने की चीज़ें का, तो उसके हिसाब से सैटरडे संडे पार्टीज चल रही थी. हमें खाना भी अभी काफ़ी ध्यान देकर, हमें जो घर में जो खाना बन रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये कब तक अवेलेबल रहेगा, ये सिचुएशन कब तक यहाँ से कंटिन्यू होगी, ये कहा नहीं जा सकता. अगर आप घर में डेली 4 से 5 डिश बना रहे तो आपका रसोई गैस है किचन का, वो भी ख़त्म हो सकता है, और वो आगे फ्यूचर में उसकी सप्लाई अगर कम होती है तो वहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा. तो हो सके तो खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे. जो इटली, यूरोप में जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनके कई सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखें. जो कर्फ्यू कहा गया है, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने और कई सारे स्टेट्स के सीएम ने धीरे धीरे करके इंडियंस के मन में ये बात डाली कि ये लॉकडाउन हो सकता है. तो जैसे ही संडे आया जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ ताकि लोग घर में ही बैठे रहे, और उसके बाद सडनली जैसे दोपहर का टाइम था तो 144 लगा दिया, यानी अगले 15 दिन तक कोई भी घर से बाहर 5 या उससे ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते. लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे. जो साइकोलॉजिकल एक एक्टिविटी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही थी उसके पीछे भी इंटेंशन यही था कि लोग इस वॉर के सिचुएशन में यूनाइटेड है, ये एक मैसेज दुनिया तक, लोगों तक जाना चाहिए. लेकिन जैसे कि कहा था कि डोर में, आपके घर में खड़े रह के ताली बजाइए या थाली बजाइए, प्लेट बजाइए, क्लैप कीजिए, लेकिन कुछ लोग थे वो रोड पर आकर सेलिब्रेट कर रहे थे. ये कोरोना वायरस कितना डेंजरस है, कैसे फटाफट फैल रहा है दुनिया भर में, अभी भी सीरियसनेस नहीं है. हमारी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ की, एक कंट्री की उतनी पॉपुलेशन है. अगर 130 करोड़ में ये तेज़ी से फैलता है तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगी. मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से और कंडीशन ख़राब होती है तो सिविल वॉर तक ये चला जा सकता है.
क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अगर कम होती है, सप्लाई कम होता है, तो ये सिचुएशन भी आ सकती है, आर्मी को रोड पे आना पड़ेगा और आर्मी के लोगों को भी अगर ये कोरोना वायरस की लागत होती है तो और भी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन का सीरियसनेस को पहचानिए, अवेयरनेस फैलाइए लोगों में जितना ज़्यादा हो सके, घर के अंदर ही बैठे खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, ज़्यादा वेस्ट ना करें। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेज हम सर्वाइव कर सके, ऐसी एक्शन हमारी होनी चाहिए पूरे दिन भर में। तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान रखें, लोग जो गांव जा रहे हैं जहाँ पर है वहाँ पर ही रहे कुछ दिनों के लिए, जैसे ही हालात सामान्य हो जाती है तो अपनी फिर से डेली रूटीन हमारी पटरी पर आ सकती है। सो बी केयरफुल, ये एक जस्ट 2 मिनट के बारे में आपको कहना था। एनालिसिस के तरफ चलते हैं। फ्राइडे को जो सेबी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि शॉर्ट सेलिंग, जो मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आ रहा है, देखिए सेबी गवर्नमेंट दोनों दोनों एक साथ बातचीत करके चल रहे, इससे हमें अंदाज़ा आ सकता है। सेबी ने भी फ्राइडे इवनिंग में यह अनाउंस किया है, उससे पहले गवर्नमेंट भी धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ जा रही थी और लॉकडाउन जैसे ही होता है तो मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। तो इससे पहले सेबी ने जो रूल्स थे शॉर्ट सेलिंग के, ये और कड़े कर दिए, यानी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो जो रिटेलर्स है, बड़े लोगों को तो तकलीफ नहीं होगी शॉर्ट सेलिंग के लिए, जिसके पास मार्जिन काफ़ी पैसा अवेलेबल है, लेकिन जो लोग अभी इस पीरियड में जो रिटेलर्स थे, जो कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास थे, वो रिटेलर इंडिविजुअल जहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है अगर फंड की कमी रही तो, क्योंकि मार्जिन्स काफ़ी बढ़ा दी है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है एक बॉटम बनने के बाद अभी एक अपसाइड मूव देखने को मिले, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। SGX निफ्टी को हमने देखा यहाँ पर 1000 पॉइंट की गिरावट है, तो आज मार्केट में भी गैप डाउन ज़बरदस्त ओपन हो सकता है। लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग है वो यहाँ से एक रिकवरी फेज दिखा सकता है, हालांकि ये कब तक सस्टेन होगा ये कहा नहीं जा सकता। हमने एक एनालिसिस किया था 2008 वर्सेस 2020, फाइनेंशियल क्राइसिस था वो, अभी नेचुरल क्राइसिस है, इसका टाइमलाइन कहा नहीं जा सकता कब ये रिकवर होगा। अभी एक रिकवर होगा इसका एक हिंट हमें कब मिलेगा, जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, या फिर सिंपल कहे तो अभी जो कंट्रीज कि ने हर एक कंट्रीज़ ने अपनी बॉर्डर सील करके रखी है, जो फ्लाइट्स है वो कम है, आई नहीं रही है दूसरे कंट्रीज से फ्लाइट, तो जब तक अभी ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए ओपन नहीं होती तब तक ये सिचुएशन यहाँ पर बना रहेगा। अगर बॉर्डर्स फिर से एक बार ओपन हो जाती है तो ये हमारे हिंट होगी कि यहाँ से अभी सिचुएशन फिर से एक बार नॉर्मल हो सकता है। जब तक बॉर्डर्स अभी ओपन नहीं होती तब तक यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी इंडेक्स में। तो ये जो एनालिसिस था 2008 में 6300 के पास निफ्टी था, ये क्राइसिस के बाद 2500 तक निफ्टी चला गया और 60% का तभी फॉल देखने को मिला था, 60%। तो अभी यहाँ पर 60% अगर फॉल आता है 2020 में, यानी 12400 के पास निफ्टी अभी पहुँच गया था, वहाँ से 60% यानी 7440 पॉइंट्स माइनस कर दे तो अराउंड 5000 के पास निफ्टी इंडेक्स चला जा सकता है। ये एक स्टडी पर्पस के लिए, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। जो हम एक्सपेक्ट मतलब जो एनालिसिस कर रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे, जो अभी का माहौल है कोरोना वायरस की वजह से, उससे स्थिति भी एकदम वर्स्ट हो जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर लोग अगर अपने बिहेवियर में चेंज ना करें तो स्थिति यहाँ से और भी डरावनी हो सकती है। इटली में लॉकडाउन के बाद जो केसेस थे वो काफ़ी हद तक बढ़ गए, क्योंकि लोग लॉकडाउन के बाद भी मिलना जुलना उनका चालू ही था, कोई घर में नहीं बैठ रहा था। जब वहाँ पर आर्मी आई तभी लोग घर के अंदर बैठने लगे। तो ये सिचुएशन कब तक यहाँ पर पैनिक का माहौल बरकरार रखेगी ये कहा नहीं जा सकता। चार्ट पर चलते हैं, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में यहाँ पर हम एक सपोर्ट एज अ टेक्निकली हम यहाँ पर एक सपोर्ट देख रहे थे, जो 76.4% का ये लेवल था, ये भी लास्ट वीक इसने अचीव कर लिया था। ये जो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पर ये स्विंग हाइज बने थे पास्ट में, तो इसका रेजिस्टेंस अभी फ्यूचर में सपोर्ट बनेगा, ये दूसरा पॉइंट था। 100 EA में था जहाँ पर 2008 में इसने ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था, काफ़ी सारे दिन यानी 5-6 महीने इस जगह पे ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, फिर बाउंस बैक हुआ था। तो ये थर्ड पॉइंट था कि 100 EMA के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे अभी सिचुएशन यहाँ पर वर्स्ट बनती है
तो ये भी सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। आज जैसे एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है तो हो सकता है आज भी जबरदस्त गैप डाउन ओपन हो, तो पैनिक नहीं होना है, जल्दी से ट्रेड के लिए मौका नहीं देखना है जब तक मार्केट स्टेबल ना हो। तो ये 6825 ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा, क्योंकि पास्ट में यहाँ पर एक स्विंग लो बना है, टेक्निकली ये सपोर्ट है, लेकिन देख रहे हैं कैसे एक एक सपोर्ट को ये जैसे जैसे कंडीशन वर्स बन रही है हर एक सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, लोगों के ऊपर निर्भर करता है ये स्थिति जो अभी बनी हुई है वो कैसे जल्द से जल्द यहाँ पर सुधरे। वीकली चार्ट देखें तो लास्ट 2 वीक्स का जो फॉल आया था उसके बाद मार्केट रिकवर होके एक लंबा टेल छोड़ रहा है, यानी रिकवरी है यहाँ पर, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स बनते जा रही है। तो यहाँ पर हमें लोगों को ही काफ़ी सतर्क रहना होगा, इस महामारी को और नहीं फैलने देना है। डेली चार्ट भी देखें तो जो 76.4% का लेवल था यहाँ से एक रिकवरी देखी, टेक्निकली रिकवरी देखी, लेकिन ये अल्टीमेट इस सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी आरएसआई में भी फिलहाल एक बॉटम बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो अभी संडे की न्यूज़ है लॉकडाउन कर दिया 31 मार्च तक, तो ये टेक्निकल भी यहाँ पर ये ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डबल टॉप बनता है डबल बॉटम बनता है तो बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है तो यहाँ पर ये ऐसे और भी यहाँ से जम दिखाएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये आइडिया है, जो फ्रेशर्स हैं बिगिनर्स हैं वो प्लीज़ आज के लिए ट्रेड ना करें। यहाँ पर अभी गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये जो स्विंग लो यहाँ पर बना हुआ है, एक स्विंग लो बना था, अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो वेट एंड वॉच करें। इसके नीचे यानी 8209 के नीचे अगर चला जाता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8119, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8029, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो फ्राइडे का हाई ब्रेक होने दीजिए, यानी 8878 के ऊपर अगर यह सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 9019026 के पास है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 50 EMA जो कि 9109 के पास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।